आज हम बात करने वाले हैं पुरुषों की एन महिलाओं की जो शारीरिक कमजोरी होती है उसको किस प्रकार से दूर किया जाए। सो गाइस, कमजोरी कई प्रकार की होती है। एक तो कमजोरी होती है जब हमारे शरीर में खून की कमी एंड विटामिन या पानी की कमी जब हो जाती है तो हमारे शरीर में कमजोरी वीकनेस महसूस होने लगता है। एक वो कमजोरी होती है जब हम रिलेशन बनाते हैं, वो कमजोरी होती है जब हम रात के समय वो सारी क्रिया करते हैं, जब हमें वो कमजोरी महसूस होती है, जो हमें वो वीकनेस महसूस होती है तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देती है और उससे कई सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो चलिए आज हम आपको बात करने वाले हैं जो रात में क्रिया करने के बाद जो कमजोरी होती है उस कमजोरी को किस प्रकार से दूर किया जाए। जैसे कि ये जो कमजोरी होती है लेडीज़ के भी होती है और पुरुषों में भी होता है, तो आज हम आपको बताएंगे इस कमजोरी को भी किस प्रकार से दूर करें, साथ ही अपने इस कमजोरी को दूर कर अपने ताकत को कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले पॉइंट भी ये बताएंगे कमजोरी दूर करने का तरीका। सबसे पहले सुबह आपको भीगा हुआ चना एंड गुड़ का सेवन करना है। भीगा हुआ चना खा सकते हैं या फिर अंकुरित चना खा सकते हैं, इसे लेडीज़ भी खा सकती हैं एंड पुरुष भी खा सकते हैं। उसके साथ आपको थोड़ा सी मात्रा में गुड़ खाना है। इसे क्या होता है, इसमें कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैट एसिड एंड इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुड़ भी पाया जाता है जो हमारे शरीर की किसी भी प्रकार की कमजोरी को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। साथ ही ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, अंदर से ताकत बनाता है। आपका शरीर भले बाहर से वीकनेस सा महसूस हो लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। तो हमें अंदर की ताकत चाहिए, बाहर की नहीं। बाहर हमारा शरीर कैसा है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अंदर से कितनी ताकत मिल रही है, हमारे शरीर में कितनी एनर्जी है, कितना हम अंदर से सक्षम है, हमें वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दें, हमें देखकर बहुत सारे लोग, आप ही में से कोई लोग हैं जो कि कमेंट करते हैं, कहते हैं कि पहले तुम अपना कमजोरी दूर करो। साहब, हम अपनी कमजोरी को कैसे दूर करें, हम तो पहले से ठीक हैं, स्वस्थ हैं और एकदम खुशहाल हैं। बाहर के शरीर कैसी है उसे देखकर कमजोरी नहीं कहते। हमसे अच्छे खासे लोग हैं, भले तगड़े हैं शरीर में लेकिन वो कमजोरी का दवा रेगुलर खाते हैं, उनको हमेशा वीकनेस सताए रहती है, कभी लो बीपी की प्रॉब्लम तो कभी कमजोरी तो कभी खून की कमी, कहीं हमेशा उनको चक्कर आता है, इसे कहा जाता है कमजोरी। हमारे शरीर के ऊपर आप लोग मज़े में जैसे भी हो, फिट एंड फाइन हो, हमारे जैसे होने के लिए लोग कितने सारे मेहनत करते हैं। जो मोटे हैं, तगड़े हैं, सुबह जाते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ लगाते हैं अपने वजन को घटाने के लिए। सो मेरा जैसा है, भगवान का शुक्र है कि मेरा शरीर ऐसा है, मैं खुश हूँ और बहुत ही खुशहाल भी हूँ अपने शरीर में। सो चलिए पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि ये तो पहला तरीका हो गया कमजोरी को दूर करने का, एंड दूसरा तरीका बता रहे हैं। दूसरा तरीका है कि सुबह सुबह करना क्या है कि आपको 2 अखरोट लेना है, उस अखरोट को थोड़ा सा बारीक बना लें और उसे दूध में उबालें। अब इसमें एक छोटी इलायची का पाउडर उस दूध में डालें, दूध को 1-2 उबाला जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप इस दूध को पी जाएँ। सुबह नाश्ता करने से 10-15 मिनट पहले आप इस दूध को पीजिए, देखेंगे तो जो आपके अंदर वो सब चीज़ करने के बाद कमजोरी या थकान या हाथ पैरों में दर्द, हरारत या ज़्यादा पसीना होने लगता है, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ 2-3 दिन पीकर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन रेगुलर इसे आप महीनों 2 महीने तक कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन सब चीज़ों को इंजॉय करने से पहले अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका टाइम भी बढ़ेगा, पावर भी बढ़ेगा, मज़े से इंजॉय भी करोगे। चाहिए क्यों नहीं चाहिए, चलिए बताते हैं। आपको करना है थेरेपी, जी हाँ थेरेपी करना है, अपनी फुल बॉडी का थेरेपी कीजिए। अगर आपके पार्टनर हैं आपके पास तो आप उनका कीजिए और आपके पार्टनर आपके करें। देखिए कोई भी ऑयल हो, नारियल का, बादाम का, कोई भी ऑयल आपके पास हो या जो आपको पसंद हो, उस ऑयल को हल्का सा गर्म करके आप फुल बॉडी की थेरेपी करें, मसाज करें। फिर देखिए जब थकान दूर होगी तो रिलैक्स होके अच्छे से एंजॉय के साथ आप अपने लाइफ को भी एंजॉय करेंगे। जब थकान दूर होगी तो आप सब कुछ भूलकर उस चीज़ में ध्यान लगाएंगे जहाँ पर उस समय आपका ध्यान होना चाहिए। तो बस छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिए। आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो और भी लोगों में शेयर करें। हाँ, अगर इस पेज पर नए हैं तो फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।